मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में अशोक सिंघल फाउंडेशन द्वारा आयोजित भारतमा पुरस्कार समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्कृष्टतम वेद विद्यार्थी नारायण लाल जी शर्मा को पदक के साथ 3 लाख रूपये, उत्कृष्टतम वेद अध्यापक कुलपति और आर चंद्रमौली श्रोत्रिय को प्रमाण पत्र, पदक और 5 लाख रूपये और उत्कृष्टतम वेद विद्यालय आचार्य गोपाल चंद्र मिश्र वैदिक उन्नयन संस्था काशी को ट्रॉफी प्रमाण पत्र और 7 लाख रूपये की धनराशि प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने विकसित भारत का मानचित्र रखा है। इसमें नागरिक कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देश और सनातन धर्म के लिए सभी को अपने अधिकारों की चिंता कम और नागरिक कर्तव्यों के विषय में ज्यादा चिंतन करना होगा। हम लोग इस बात को पूरी दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि दुनिया आज भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, सौहार्द के लिए पूरी दुनिया के अंदर कहीं कोई घटना घटित होती है तो आज आशा भरी निगाहें भारत की ओर, भारत के नेतृत्व की ओर होती है। भारत की मजबूती के लिए, भारत को सशक्त बनाने के लिए हम सबके प्रयास भी वहीं से आगे बढ़ने चाहिए, उसी गति से आगे बढ़ने चाहिए। और जब भी दुनिया के अंदर शांति और सौहार्द की बात होगी, प्रत्येक नागरिक के सुख और समृद्धि की बात होगी, तो रास्ता भारत की ओर से ही जाएगा, भारत के गुरुकुलों से ही जाएगा, भारत ही उसका नेतृत्व करेगा। और इसके लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतवासियों के सामने 2047 में एक विकसित भारत की संकल्पना का एक मानचित्र हम सबके सामने रखा है।